आपका स्वागत है जोधपुर ब्लू सिटी में। आपने सुना होगा सलमान खान ने ब्लैक चिंग कलर का शिकार किया था। आपका कलर और टर्बन वे ऑफ टाइम मतलब कैसे बड़ा घर जिसमें बहुत सारी जो विंडो होती है विंडी पैलेस जैसे जयपुर में आपने देखी होती है। जयपुर उदयपुर रनकपुर जबलपुर पूर मीन्स देयर वाज हिंदू फाउंडर। उसी तरह अहमदाबाद इलाहाबाद औरंगाबाद हैदराबाद फरीदाबाद बाद मीन्स देयर वाज मुस्लिम फाउंडर। राजा की नज़र जैसे ही बकरी और बाघ पे पड़ती है तो उनको लगता है कि ये जगह ज्यादा पावरफुल होगी करके, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि फोर्ट हम लोग यहीं बनाएंगे। पर यहाँ जो है जोधपुर को इसीलिए कहा जाता है कि डेथ ऑफ लैंड्स मतलब मारवाड़। मारवाड़ का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है बिना पानी, पानी की बहुत कमी है। मेहरानगढ़, मेहरान जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य को संस्कृत में मेहरान कहते हैं, इसीलिए इट्स कॉल्ड मेहरानगढ़। गढ़ का मतलब किला। भाई ये किले का बैक साइड है, यहाँ पर कोई नहीं आया और हम आए हैं पहली बार और इस रास्ते से हम आज एंट्री मारेंगे अंदर की साइड। हेलो दोस्तों, कैसे सब आप लोग? तो दोस्तों मैं आया हूँ जोधपुर और जोधपुर हम आए थे कल रात को। तो कल रात को तो ज़्यादा कुछ मैं बात कर नहीं सका क्योंकि आते ही हम सो गए थे। और फिर अब ये मेरे होस्टल का कुछ नज़ारा है। ये हॉस्टल की कुछ सिटिंग है जो कि ऊपर छत पे दी गई है और छत से जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। दोस्तों ये है मेहरानगढ़ का किला, आने वाले ब्लॉग में आप इसका अंदर से व्यू देखेंगे। अभी चलते हैं मॉर्निंग ब्लू सिटी वॉक पे हम, तो चलिए चलते हैं। तो मेरा जो नाम है वो नगेंद्र सिंह है, आपका स्वागत है जोधपुर ब्लू सिटी में। जोधपुर जो है जोधा जो है वो राजा का नाम है और पुर का मतलब होता है कि वो हिंदू राजा हुआ करते थे। इसी तरह जोधपुर जयपुर उदयपुर रनकपुर जबलपुर पूर मीन्स देयर वाज हिंदू फाउंडर। उसी तरह अहमदाबाद इलाहाबाद औरंगाबाद हैदराबाद फरीदाबाद बाद मीन्स देयर वाज मुस्लिम फाउंडर। तो जोधपुर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान का और फाउंडर जो थे वो जोधा जो कि राजा थे जिन्होंने ये जोधपुर सिटी को बसाने के बाद में इसका नाम रखा जोधा प्लस। तो अभी हम लोग पुराने शहर में हैं, यहीं से फिर हम लोग जो है फोर्ट के बैक पार्ट में जाएंगे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण कम्युनिटीज रहती है और ब्राह्मण जिनके सारे जो घर हैं वो पूरे नीले पेंट किए हुए हैं, चूना जो होता है उसी के अंदर नील मिला करके दे पेंटेड देयर हाउसेस। लोग इधर से शुरू करेंगे हम लोग। आर्किटेक्चर देखिए आप, जो हवेली जो बनी हुई है इसमें सारा जो सैंडस्टोन से ही बना हुआ देखिए आप इसका। और तो यहाँ पे जो है जितने भी पुराने घर हैं जैसे कुछ 250 ईयर है कुछ 300 ईयर ओल्ड है, ये सारे वही आर्किटेक्चर है जो जब फोर्ट बना था उसके बाद जो जितने की पुरानी हवेली है। और हवेली इसी को कहा जाता है जिसमें बहुत सारी विंडो जो है जहाँ से हवा पहले के टाइम में तो विंडो के थ्रू हवा जो आसपास। तो बड़ा घर जिसमें बहुत सारी जो विंडो होती है विंडी पैलेस जैसे जयपुर में आपने देखी होगी उसी तरह, तो ये वही सेम विंडी पैलेस के जैसे ही मतलब हवेली बनी हुई है। टर्बन और वाइट कुर्ता और वाइट धोती जो पहनते हैं वो लोग बिश्नोई कम्युनिटी के होते हैं। बिश्नोई 20 मीन्स 20, नोई मीन्स 9। तो देयर वी हैव 36 डिफरेंट कास्ट पीपल आर लिविंग हियर नियर जोधपुर। सेफर्ड पॉटर्स वीवर्स बार्बर्स
वॉरियर्स ऑल डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़, क्योंकि बिश्नोई जो होते हैं जिनका वाइट टर्बन वाइट कुर्ता एंड वाइट धोती, बिश्नोई दैट दे आर प्योर वेजिटेरियन, दे डोंट ड्रिंक अल्कोहल, दे डोंट ईट मीट्स, दे लव ट्री एंड एंटीलोप्स. एंटीलोप्स जो है आपने सुना होगा, सलमान खान ने ब्लड चिंकारा का शिकार किया था हम साथ साथ मूवी की शूटिंग के दौरान 1999 में, जोधपुर के आसपास में जितने भी जो गांव हैं वहाँ पे. तो ये कम्युनिटी ज़्यादा रहती है मतलब, तो उनकी जो ड्रेसिंग होती है बिग बियर्ड राजस्थानी टिपिकल जो होती है. तो इसी तरह पगड़ी का कलर जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, ये सारे अलग अलग कास्ट है जब, मतलब कास्ट के आधार पर उनकी जो टर्बन का कलर. डोली वाली रस्म अभी भी होती है राजस्थान में, मतलब डोली जो है वो मॉडर्न हो गई है. टर्बन का कलर और टर्बन वे ऑफ टाइप मतलब कैसे बांधा जाता है, क्योंकि ये टर्बन देखिए डिफरेंट है और दिस टर्बन इज डिफरेंट. एक तो टर्बन होता है जो ऐसे बांधा जाता है, एक टर्बन जो होता है जो रैप करते हैं. तो ये सब अपनी अपनी ड्रेसेज है, इवन जो कपड़ा है फैब्रिक्स आर सेम बट डिफरेंट वे टू स्टिच. जैसे सेफर्ड पॉटर्स वीवर सबका कपड़ा तो एक ही होता है, पर वो पहनावा जो है ना उनके जो टेलर हैं वो टेलरिंग सब अलग अलग कोड है उनके ड्रेस को. वो कंट्री साइड में ज़्यादा मिलते हैं आपको, शहर में तो सब लोग ये कि जैसे पेंट शर्ट पहनते हैं तो इतना 49. और सारे घर एक घर के पास पास में क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि एक घर की सेट जो है वो दूसरे घर के ऊपर रहती है, तो ज़्यादा धूप नहीं लगेगी तो ज़्यादा गर्म नहीं होंगे. हाँ, क्योंकि सारे घर जो है ना सैंडस्टोन है, आपकी अगर ईट होती है उसी तरह हमारे यहाँ पर सैंडस्टोन से बना, क्योंकि सैंडस्टोन जो है वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है. मोस्ट ऑफ पुष्कर करके होली सिटी है, पुष्कर जहाँ पे कैटल फेयर लगता है. तो पुष्कर जो जगह है जहाँ से मोस्ट ऑफ द ब्राह्मिन हैज कम फ्रॉम, दैट्स वे देयर कास्ट कॉल्ड पुष्कर ना ब्राह्मिन. सो वेयर वी आर गोइंग ऑन द अदर साइड दैट पार्ट इज नोन एज ए ब्रह्मपुरी बिकॉज दे ऑल कमिंग फ्रॉम ब्रह्माज नगरी, ब्रह्माज टेम्पल एट पुष्कर. ओके, देयर इज ओनली वन टेम्पल ब्रह्मा का, ओनली वन टेम्पल. क्योंकि यहाँ जब आते हैं ना तभी आपको लगता है कि जोधपुर ब्लू सिटी है. बाहर की तरफ तो आपको कुछ बिल्कुल भी आप बोलेंगे कि क्या है ब्लू, कुछ दिखाई नहीं देता. जैसे राजस्थान का जो फोक डांस होता है, ये मूंछ का जो है ना, ये राजस्थान में इस तरह की मूंछ ज्यादा आपको देखने को मिलेगी. बाकी सब जगह तो अलग डिफरेंट साइज की रहती है, यहाँ जो है वो ऊपर ऊपर रहती है. यहाँ पे देखिए तोपे हैं, तोप को चलाने के लिए
मुझे तो दे। ईगल को हर रोज फीड किया जाता है चोट के 4 o'clock दे गिव देम मटन इन द इवनिंग इन द इवनिंग अब ये मैं बुझी तो चोट और ये तो चले ये बुझ चले चले ये बैन हो गए तो फोर्ट ओपनिंग एट 9 o'clock एंड क्लोज्ड एट 5 ऊपर है यार, ऊंचा पड़ रहा है, सांस फूल गई, लेकिन मजा आ रहा है। कौन सा? अभी तो फिल्टर्स दिखाई दे रहा है ना? मैं कौन हूँ? ताजमहल के जैसा दिख रहा है तो? हाँ हाँ हाँ। उनको तो चिंता चपड़ा की वेडिंग हो चुकी है सब। ओह ओके। मिल गया मैं उसके साथ। वहाँ पर? हाँ जी। दिखाई नहीं रहा तुम। उमेद भवन पहले से है ना? उमेद राजा का नाम है। भवन का मतलब होता है उमेद भवन पर अभी के राजा के इतना घर है मतलब। ओह अभी के राजा के दादाजी के द्वारा बनाए गए महाराजा उमेद सिंह जी 1944 में कंप्लीट हो गया था बिफोर इंडिपेंडेंट। अभी ओपन फॉर विजिट है नहीं है? यस इट्स ओपन फॉर विजिट। ओके इट्स अ होल पार्ट इज इन 26 acres 90% पार्ट व्हिच इज इन होटल पार्ट 10% पार्ट विद रेजिडेंशियल एंड स्मॉल म्यूजियम इज ओपन फॉर पब्लिक। ओके सो दिस वाज अ स्टार्टिंग बिल्डिंग 1929 एंड इट वाज कंप्लीट इन 1944 स्टार्टिंग प्राइस देयर फ्रॉम 70,000 to up to 3.5 lakh rupees. Okay. One room charge. And cover charges, if you want to go for a dinner, they're gonna charge 6,500 for it. Three is on the other side. तो भाई जी कैसा लग रहा आपको? बढ़िया है। कैसा बढ़िया है बताओ? कितना मजा आ रहा है? Walking tour को मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। सब चीज़ तो क्या क्या experience लिया? अरे चीज़ें जानने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ चलो बढ़िया मिलना चाहिए। फोर्टी किलोमीटर मोर डीप इनटू द कंट्री साइड वेयर आर ऑल द बिस्नोई कम्युनिटीज आर लिविंग टू द कंट्री साइड दे ऑल दे डूइंग फार्मिंग ऑल बिस्नोई कम्युनिटी दैट दे ब्रिंग मिल्क इन द मॉर्निंग ऑन द मोटर बाइक दे सेलिंग अ मिल्क इन द सिटी because that I say you Jodhpur जो है जोधपुर को इसीलिए कहा जाता है कि death of lands मतलब मारवाड़। मारवाड़ का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की death हो गई है बिना पानी, पानी की बहुत कमी है। ओ तो राव जोधा जी ने जो है ये फोर्ट यहाँ बनाने का प्लान नहीं किया था। पहले जो है फोर्ट बनाने का प्लान किया था सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं आप वो उधर। हाँ जी वो जो पहाड़ी है जिसको कहा जाता है मसूरिया हिल। मसूरिया हिल? हाँ जी जैसे जो सामने जो देख रहे हैं तो वहाँ पे फोर्ट बनाने का प्लान किया था पर वो जब राजा वापस लौट रहे थे तो यहाँ पे ये जो है ना पहाड़ी इसको ज्वालामुखी जिसके ऊपर एक बकरी जो है वो बाघ से लड़ते हुए नजर आती है। मतलब बकरी को पता है कि वो बाघ से नहीं जीत पाएगी फिर भी कोशिश कर रही थी। तब जो है राजा की नज़र जैसे ही बकरी और बाघ पे पड़ती है तो उनको लगता है कि ये जगह ज़्यादा पावरफुल होगी करके तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि फोर्ट हम लोग यहीं बनाएंगे। पर यहाँ पे एक ऋषि मुनि जी रहते थे जिनका नाम था चिड़िया नाथ जी। तो राजा ने जैसे ही उनको कहा कि आपको अगर जप करना है तो सामने वाली पहाड़ी पे जाके कर लीजिए हम लोग यहाँ पे फोर्ट बिल्ड कर रहे हैं तो जो ऋषि मुनि जी रहते थे उनको गुस्सा आ गया। वो जलते हुए अंगारे जो जप कर रहे थे जलते हुए अंगारे अपने झोले में डाल के यहाँ से रवाना हो गए। पर जाते जाते उन्होंने राव जोधा जी को श्राप दे दिया कि राव जोधा तो रहेगा पर पानी की कमी रहेगी। उस टाइम से लेके अभी तक पानी की यहाँ पे कमी है तो रानियों को चिंता हुई कि हम लोग प्रजा को कैसे जीवित रखेंगे बिना पानी। तो रानियों ने जो है
उसके बाद अपने खर्चे से जोधपुर सिटी के अंदर 120 तो कुएं बनाए हैं, 60 तालाब बनाए हैं, 30 स्टेप वेल बनाए हैं। स्टेप वेल का मतलब स्टेप से नीचे जाके दे कलेक्ट वाटर। तो ये सारी वाटर बॉडीज हैज बीन डन बाय क्वीन डिफरेंट डिफरेंट टाइम। जैसे तूर जी का झालरा है तो तवर इज द नेम ऑफ द क्वीन। रानी सर हैं, पदम सर हैं, तो ये सारे जो वाटर बॉडीज हैं इट्स ऑल हैज बीन डन बाय क्वीन जस्ट टू सर्वाइव कि लोगों को कैसे जिंदा रखेंगे बिना पानी के। तो ये सारे जो हैं पानी के लिए यहाँ पे अभी भी कमी है। पानी अभी जो आ रहा है पीने के लिए वो पंजाब से आ रहा है, ओपन कैनाल है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। दूसरा जो पानी आ रहा है वो गुजरात से आ रहा है, गुजरात से नर्मदा नहर करके जो पानी आ रहा है। तो ये अभी मतलब पानी के दो नहर है जिससे पानी की पूरी जो पूर्ति होती है यहाँ पे। और पानी अभी भी हर रोज नहीं आता है, हर दो दिन छोड़ के एक दिन सिटी में आता है, और कंट्री साइड में 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार पानी आता है। पानी की बहुत किल्लत है हमारे यहाँ पे, और हमेशा ही यहाँ पे तो अकाल तो पड़ता ही रहता है। इस बार भी अकाल है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, 10% भी नहीं हुई। जो 100% होती है ना कभी कभी, उसकी 10% भी बारिश नहीं हुई सर। तो पानी की बहुत कमी है यहाँ पे। और पहले दिन नवरात्रा को हम लोग माता जी के मंदिर में जैसे जाते हैं, तो उसी तरह ये मंदिर में पूरा मतलब भीड़ हो गई थी उस टाइम। तो एक दूसरे के ऊपर एक स्टैंपिंग से डेथ हो गई थी। तो ये माता जी का मंदिर है जहाँ पे, और बहुत पर्चा है यहाँ पे माता जी के मंदिर। जो भी जो आते हैं अपनी जो इच्छा जो मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है इच्छा। तो पुराना मंदिर है ये भी, तो फोर्ट के अंदर, ये फोर्ट का पार्ट। मेहरानगढ़, मेहरान जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य को संस्कृत में मेहरान कहते हैं, इसीलिए इट्स कॉल्ड मेहरानगढ़। गढ़ का मतलब किला। सो दिस फोर्ट हैज गॉट 7 गेट्स ऑल टुगेदर। फर्स्ट गेट कॉल्ड विक्ट्री गेट, सेकंड गेट कॉल्ड चाट कंगारे, थर्ड गेट कॉल्ड इमरती गेट, ऑल टुगेदर 7 गेट। सो दिस गेट वॉज बिफोर, दिस गेट इज हियर, बट नाउ दे हैव बिल्ट अनदर वन दैट अनदर एंट्रेंस, बिकॉज दिस गेट इज नॉट द डायरेक्शन टू सनराइज, this is direction to sunset. Okay, that's where there has been built another gate where all vegetables comes from. Okay, the another gate is way to direction to sunrise side. So this gates also called victory gate, and sunrise side gates also called victory gate. Okay, because this gates called fateh, fateh means victory, and another gates called jaipal, jai means victory as well. Yes, why jaipal has been built, because the maharaja of jaipur and maharaja of jodhpur, two king wanted to get married to one beautiful princess of Udaipur Maharaja, and two king can not get married to one beautiful princess. That's why the Udaipur Maharaja has done his engagement daughters, his daughter's engagement to Jodhpur Maharaja Man Singh ji, and Jaipur Maharaja doesn't like it, so he has sending all the soldiers to attack this fort. From that time, cannonball marks that you can see when you visit it. Okay. In this, Jodhpur Maharaja Man Singh ji was win, so he has built the gate of the fort, and they put name of the gates called Victory Gate, Jaipal. So ye Mehrangarh fort ka matlab, there is difference. This gate was built in 1707 and Jaipal has been built in 1808. So 101 saal ka fark hai. That gate was built after winning against that Jaipur team. Not this one, the first gate. First gate, Jaipur. ये उनसे भी पहले ये जो बनाए हैं वो पोखरण के जो राजा थे जिनसे लड़ाई हुई थी उसमें, उनसे पहले बनाया हुआ। तो ये वो सब अलग अलग गेट अलग अलग टाइम में बने हुए। तो यहाँ से मेनली विजिटर्स के लिए ओपन हैं, पर कम लोग आते हैं, मतलब 100 में से 2 एक दो लोग ही कोई जो पुराने शहर में गलती से इधर आ गए हैं या फिर कुछ रुके हुए हैं वही जा सकते हैं, बाकी सब उधर से मेन एंट्रेंस से जाते हैं। भाई ये किले का बैक साइड है, यहाँ पर कोई नहीं आया और हम आए हैं पहली बार, और इस रास्ते से हम आज एंट्री मारेंगे अंदर की साइड। इस रास्ते से कोई भी नहीं आता है, और हम आए हैं बैक साइड से। ज़्यादातर लोग सारे फ्रंट गेट से आते हैं, बैक साइड किसी को पता ही नहीं होता। हाँ
पूरा ये देखो ना, ये दीवार से लेकर के पूरा मतलब 18 से 20 फीट, तीन मेरे जैसे तीन इंसान डूब जाए जितना पानी रहता था उसके अलावा, पर बारिश नहीं है तो क्या हो जाए ना डंकी तो ये भर जाता है, पर बारिश तो हुई नहीं ना इस बार, इसीलिए तो प्रॉब्लम। तो ये पानी जो है ना वो फोर्ट के अंदर पीने के लिए जाता था। यहाँ पे सामने देखिए वो अरहट लगा हुआ है, बोट के उधर लेदर बकेट होती थी, एक अरहट यहाँ है, फिर एक अंदर, फिर एक अंदर, फिर एक अंदर, ऐसे, क्योंकि वाटर पंप्स तो थे नहीं पहले। खाने हैं जोधपुर में तो यहाँ मिलते हैं, और मिल के दोनों आप सेठ साहब हैं, ये दुकान भी वही इनके पुरानी दुकान है। देखिए आप कोई तरह की एयर कंडीशन कुछ भी नहीं, ओनली नाम से दिखाते प्राइजेस जो है वो एवरीडे मिल्क के हिसाब से, दूध का प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो प्राइस अप डाउन रहेगा, ऐसा नहीं कि 400 किलो ही है, दूध कम तो रेट कम, दूध ज़्यादा तो रेट, रोज के अलग अलग रेट होते हैं यहाँ पे स्वीट के, तो आप ट्राई कर सकते हैं गुलाब जामुन, यू वॉन्ट टू ट्राई स्वीट फोटो भी तो ले सकते हैं। ये मिल्क केक एंड दैट्स गुलाब जामुन, स्वीट नहीं का, चलो चटनी आपके लिए है सर, कोई नहीं आप भी कर लो, अरे हम तो रोज ही करते हैं सर, आपके लिए ये वन चीज़ है भाई, हम तो ये गुलाब जामुन बेचते थे ना अनिल के ब्रदर वहाँ पे उधर जो बैठे थे, हाँ ये क्या बन रही है, जलेबी बन रही है ना, काफी क्रिस्पी होती है इसमें, तो फिर से डीप इनटू द वो जो सिरप, सुगर सिरप, सुगर सिरप उधर है
लेके जाते हैं। पुरानी दुकान है, देखिए आप, कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, सिर्फ इनके नाम से आते हैं ये सब लेके जाते हैं, पैक करा के दो दो पाँच पाँच किलो। तो इनको क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई बना के सब एक साथ ही बना के फिर ऑर्डर भेजते हैं। तो दोस्तों ये था जोधपुर ब्लू सिटी का टूर जो कि आपने देखा विद गाइड, और जल्द ही आने वाले हैं राजस्थान के और भी ब्लॉग्स, तो चैनल पर बने रहिएगा, हम जल्द ही मिलते हैं आपसे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।